नमस्कार, कैपिटल टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। दरअसल मौलाना अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के खिलाफ एसआईटी की जांच शासन के आदेश पर हुई थी। जांच में खुलासा हुआ था कि जौहर प्रशिक्षण और शोध संस्थान के भवन को जौहर ट्रस्ट को लीज पर देने का फैसला सपा सरकार में कैबिनेट ने लिया था। अब दोषियों का क्या हाल होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी एवं शोध संस्थान मामले की एसआईटी जांच में दोषी पाए गए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की जमीन को लीज पर देने के समय आरपी सिंह मुरादाबाद में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर वह तैनात थे। ऐसे में दोषी अफसरों पर 2 साल बाद एक्शन की कवायद शुरू हुई है। मौलाना अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के खिलाफ एसआईटी की जांच शासन के आदेश पर हुई थी। जांच में खुलासा हुआ था कि जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के भवन को जौहर ट्रस्ट को लीज पर देने का फैसला सपा सरकार में कैबिनेट ने लिया था। जांच में ये भी खुलासा हुआ था कि जिस उद्देश्य से यह फैसला लिया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। एसआईटी ने इसके चलते भूमि एवं भवन का पट्टा निरस्त करने, वर्ष 2005 से 2008 के बीच जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के निर्माण का सीएजी से ऑडिट करवाने और मुरादाबाद के तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश की थी। एसआईटी की सिफारिश पर निर्णय लेने के लिए तत्कालीन अपर मुखिया सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में 16 मार्च 2020 को उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में एसआईटी की सिफारिश पर कार्रवाई कर 1 माह के भीतर गृह विभाग को अवगत करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कार्रवाई के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मामले का दबाव बनाया था। एक्शन न होने से पहले दिनों एसआईटी की टीम ने विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की थी। विभागीय मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद ही जांच में दोषी पाए गए अफसरों पर एसआईटी ने आरोप पत्र दिए थे। तो अब राघवेंद्र प्रताप सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है और जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार एक्शन हो रहा है उससे आजम खान की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।